गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रुबीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैशन डिपार्टमेंट, राय यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन फैशन ऑफ द 20th सेंचुरी. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑन फैशन इन रोमन पीरियड, इजिप्शियन पीरियड. सो नाउ द फैशन ऑफ द 20th सेंचुरी, फैशन हिस्ट्री, फैशन ऑफ द 20th सेंचुरी. फर्स्ट इज फैशन इन 19th एंड 1910. So which kind of fashion followed in that period? So Gibson girls look, shirt waist, blouses, hats, ornaments with birds, features, ribbon, etc. Gibson girls look. Gibson was a famous illustrator from America in that time. So Gibson's की जो paintings थी, जो उसने illustrate किया था, तो उसने उस टाइम में पेंटिंग्स में जो गारमेंट्स यूज़ किए थे वो एकदम से बहुत ट्रेंड में आए थे. सो दैट पेंटिंग एंड दैट फैशन नॉन एज अ गिब्सन गर्ल्स लुक. नेक्स्ट इज फैशन इन 1990-10 फॉर मेन. स्पैट्स, फॉर्मल वेयर, फ्रॉक कोट, स्पैट्स, हैट्स. सो वी कैन सी इन दिस इमेज फ्रॉक कोट white from the bottom and hats also was a trend. So next is fashion in 1911 and 1920. World War first, hobble skirts, women legs revealed for the first time, narrow shape. We can see these are the hobble skirts. These skirts are the narrow from the bottom. So fashion in 1911 and 1920. For men, simplified form of dresses more popular. Next is 1920s fashion, flapper, sportswear introduced. फैक्टर दैट लीड टू द रिफॉर्म ऑफ फैशन इन द 1920. कौन कौन से फैक्टर्स थे? विद 1920s का जो फैशन था उस टाइम, फैशन में रैपिडली बहुत चेंजेस आए थे बिकॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से. उस टाइम जो फैक्टर्स थे उसकी वजह से फैशन बहुत रैपिडली बहुत चेंजेस आए थे. वुमेन्स जो थी उन्होंने फैशन को फॉलो करना शुरू किया, घर से बाहर निकली, उन्होंने काम करना शुरू किया, जॉब करना शुरू किया और कंटिन्यू किया. तो इस तरीके से जो फैशन में उस टाइम में बहुत चेंजेस आए थे 1920s में. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, न्यू फाउंड बाइंग पावर इन द रॉयरिंग 20s, फेमिनिन लिबरेशन मूवमेंट एंड द 19th अमेंडमेंट प्रोहिबिशन, एडवांसमेंट इन द टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री. इन इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रीज थी हमारी, टेक्सटाइल, गारमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, तो इन इंडस्ट्रीज भी रैपिडली ग्रोथ कर रही थी. हमें लेबर भी ईजिली अवेलेबल था दैट टाइम. सो रेडी टू वेयर फैशन, फैशन मैगजीन. नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कौन कौन से फैक्टर थे, कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से फैशन इतना रैपिडली बढ़ा था, चेंज हुआ था. सो फर्स्ट इज ड्यूरिंग द वॉर वुमेन एंटर द वर्क फोर्स टू फिल जॉब लेफ्ट ओपन बाय सोल्जर. आफ्टर द वॉर वुमेन कंटिन्यू टू वर्क आउटसाइड ऑफ द होम. वुमेन फैशंस वर ऑल्टर्ड टू सूट द वर्क फोर्स. कंस्ट्रक्टिव अंडरगारमेंट सच एज हेलबॉर्न कोर्सेट, कोर्सेट इट्स अ फिटेड गारमेंट्स इन द अपर गारमेंट्स एंड वर अबेंडन टू अलाउ फॉर एन ईज ऑफ मूवमेंट. ऑल्सो विद द लैक ऑफ मैन ड्यू द वॉर एंड इट्स आफ्टर मैच, वुमेन बिगेन वेयरिंग मोर अल्यूरिंग क्लॉथिंग टू अट्रैक्ट हजबेंड. सो दैट इज ऑल्सो अ मेन रीजन टू चेंज इन फैशन. सो न्यू फाउंड बाइंग पावर इन द रॉयरिंग 20s, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी ऑफ द रॉयरिंग 20s अलाउड मोर वुमेन एक्सेस टू लग्जरियस क्लॉथिंग. मोर वुमेन बिगेन बाइंग देयर क्लॉथिंग एज अपोज टू मेकिंग देमसेल्फ. नेक्स्ट 1920s फैशन. नेक्स्ट इज चैनल. चैनल वॉज अ फेमस फैशन डिजाइनर ऑफ फ्रांस. तो जो फ्रेंच स्टाइल था उस टाइम में, जो चैनल्स की जो क्रिएशन थी, जो उनके डिज़ाइनिंग थे, उसकी वजह से भी फैशन में बहुत चेंजेस आए थे. लोगों ने चैनल स्टाइल्स को बहुत पसंद किया था. फैशन इन्फ्लुएंस फ्रॉम 1920s
until World War II. Research phase in 1954, little black dress, tweed suit. So next is 1930s fashion. What style was followed in 1930? Era of elegance, bias skirt, cowl neck, ginger rogers. So we can see this image. In this image, this kind of neck is cowl neck. जो यहाँ पे होता है लेयर्स होती हैं फैब्रिक की और बहुत ही स्मूथली वो ड्रेप होती हैं. सो दैट इज नोन एज काउल नेक एंड दिस टाइप ऑफ नेक लाइन वॉज फॉलोड बाय पीपल इन द 1930s. सो नेक्स्ट इज 1930s. सो वी कैन सी दिस ड्रेस दिस काइंड ऑफ ट्यूनिक एंड दिस इज अ टोटली साटिन गाउन 1930s. Fashion for men, double breasted suits, wide lapels, shoulder broadened. Lapels क्या होता है? We can see this image. This is the coat and there is a overlapping, wide overlapping. So this kind of coat was in trend that time. 1940s fashion, World War II, separates introduces that can be mixed and matched. So we can see this image. This kind of styles was followed in 1940s. So next fashion in 1940s, new look. Christian Dior, full bust line, teeny waist, full skirt. We can see this is Christian Dior. Christian Dior is also a very famous designer. उस टाइम में जो Christian Dior की जो क्रिएशन थी, जो डिजाइनिंग थी, that was followed by more people. We can see these are all are the designs of Christian Dior. Full bust line, tiny waist, full skirts. Fashion in 1940s for men. 1950s fashion, donut red, or I love lucky look. This is the donut red look. This kind of we can see there is a full flared garment and there is a waistline used for the slim waist. Next is fashion in 1950s. Full skirt, strapless dresses. We can see this image. Full skirt, full flared dress. That is a gown, formal gown. And we can see that is the sweetheart neckline, but off shoulder. Next is fashion in 1960s. Kennedy era, channel suit. पिल बॉक्स हैट. यू कैन सी पिल बॉक्स हैट क्या होते हैं? ऐसा हैट जो कि फ्रंट से लाइक अ क्राउन. और यू कैन सी इन दिस इमेज द पिल बॉक्स हैट, दिस वन. सो नेक्स्ट फैशन इन 1960s, अर्बरी हैपबर्न, ब्रिटिश एक्टर लुक. ये जो एक्टर थी अर्बरी हैपबर्न, शी वॉज विन द ऑस्कर अवार्ड ऑल्सो. जो इस एक्ट्रेस का दैट वॉज अ ब्रिटिश एक्टर्स, इसका जो स्टाइल था, इनका जो द वे, वो सब बहुत फॉलो किया गया था उस टाइम में. नेक्स्ट 1960s फैशन वी कैन सी हॉट पैंट्स, शॉर्ट पहनने स्टार्ट हुए थे उस टाइम में और वी कैन सी दीज काइंड ऑफ जीन्स मोस्ट ऑफ द फैशन. नेक्स्ट इज 1960s मिनी स्कर्ट्स, द मोड लुक. यू कैन सी दिस इमेज, मिनी स्कर्ट. 1970s फैशन, पैंट सूट, वाइड लेग्स विद लार्ज कर्व्स, बेल बॉटम, हिप हगर्स. पैंट फॉर वुमेन बिकेम एक्सेप्टेबल इन द वर्क प्लेस. 1970s में ही पैंट्स जो है फॉर्मल पर्पज़ के लिए पहने जाने लगी थी, ऑफिस पर्पज़ के लिए पहने जाने लगी थी. एंड पैंट सूट, वाइड लेग्स विद लार्ज कर्व्स, बेल बॉटम, हिप हगर्स. वी कैन सी दिस इमेज, सी दिस इमेज, इट्स अ फुल पैंट बट द बॉटम इज अ सो वाइड. दिस इज द बेल बॉटम पैंट एंड द वाइट कोट विद वाइट कॉलर. नेक्स्ट 1970s fashion, we can see the printed gowns with a smooth falling. 1980s fashion, we can see this image. This is also 1980s fashion. Athletic wear more popular, inspired by the movie Flashdance.
एथलेटिक वेयर क्या होता है, वो हमारे बहुत ही कंफर्टेबल गारमेंट्स जो कि बहुत लूज होते हैं और दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. सो दीज स्टाइल्स, उस टाइम में मूवी आई थी फ्लैश डांस, उसका जो स्टाइल था वो स्टाइल, वो फैशन बहुत फॉलो किया गया था, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था. सो इस तरीके से जो एथलेटिक वेयर था वो और पॉपुलर हो गया था. और 1980, सो फैशन इन 1990s, वी कैन सी द दिस काइंड ऑफ शूज, मोर ट्रेंडी. डॉक मार्टन्स रिप्लेस एथलेटिक फुटवेयर. फैशन इन 1990s, प्लेटफॉर्म शूज, कैन सी दीज आर द प्लेटफॉर्म शूज. देर इज अ वाइट बेस इन अ बॉटम एंड प्लेटफॉर्म हील्स, प्लेटफॉर्म शूज ऑल्सो इन ट्रेंड प्रेजेंट ऑल्सो. सो फैशन इन 1990s, रेट्रो लुक. रेट्रो लुक क्या होता है, आज हम कोई स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी स्टाइल है, उसमें हम थोड़ा सा पास्ट का जो स्टाइल होता है उसका मिक्स एंड मैच करके जो हम स्टाइल्स बनाते हैं, दैट इज़ अ रेट्रो लुक. उसमें से हमने कुछ पास्ट के स्टाइल्स को उठाया है और कुछ प्रेजेंट स्टाइल को मिक्स एंड मैच करके हम जो स्टाइल क्रिएट करते हैं, दैट इज़ अ रेट्रो लुक. इन 1999, रेट्रो लुक इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. सो दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ फैशन इन 20th सेंचुरी. थैंक यू.